आज के अध्ययन का मुख्य बिंदु इटली का एकीकरण है। इटली यूरोपीय महादेश का एक देश है और इसका एकीकरण यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रबल प्रतीक है। एकीकरण से पूर्व यह 7 राज्यों में विभक्त था। ध्यान दीजिएगा, इसमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमोंट में इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग शासकों के अधीन था, मध्य इलाके पर पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजवंश के अधीन था। इतालवी भाषा ने यहाँ साझा रूप अख्तियार नहीं किया था। अभी तक उन क्षेत्रों में विविध प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। इटली के एकीकरण में मुख्य योगदान मैडसिनी, काबूर, गैरीवाल्डी तथा सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय का है। मैडसिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए आंदोलन चलाया, यंग इटली नामक संगठन बनाया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। फिर काबूर के नेतृत्व में विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने अनेक संधियों और युद्धों के द्वारा इटली के अनेक राज्यों को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। इधर गैरीवाल्डी, जो एक महान राष्ट्रवादी था, वह यंग इटली का सदस्य भी था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि ये रेड शर्ट पहनते थे। इसमें लगभग 30,000 स्वयंसेवक भर्ती हो गए और इसने दक्षिण इटली को जीतकर, ये पूरा का पूरा इलाका दक्षिण इटली को जीतकर और गणतंत्र की स्थापना कर दी तथा 1861 में इमैनुएल द्वितीय को, जो सार्डिनिया पीडमोंट का शासक था, उसको इटली का राजा घोषित कर दिया गया। इस तरह इमैनुएल द्वितीय एकीकृत इटली का शासक बन गया। हालांकि अभी भी इटली का जो स्वरूप है वह उस समय प्राप्त नहीं हुआ। उसको प्राप्त करने के लिए इटली को और संघर्ष करना पड़ा। 1866 में वेनिसिया भी इमैनुअल द्वितीय के प्रयास से या कूटनीति से इटली को प्राप्त हो गया और 1870 में पोप का रोम भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार 1870 में इटली विश्व के मानचित्र पर एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। यह लेसन, ये बिंदु आज समाप्त हो गया। आप लोगों के लिए इस बिंदु से संबंधित गृह कार्य है, इटली के एकीकरण को समझाएं। धन्यवाद।